सोशल मीडिया के सभी साथियों का सम्मान है, स्वागत है और आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार है। मित्रों, आज मैं गंगा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के साथ उपलब्ध हूं और आज मैं खास तौर से गंगा, जिस तरह से गंगा का जो लक्ष्य रखा गया कि गंगा जिस तरह से अपने गंगा को अब तक जिस तरह से अपने निर्मलीकरण को प्राप्त करना चाहिए था, ऐसा होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने ये भी दिखाया कि गंगा किस प्रकार से जो है काशी में, जो काशी का शाही नाला है, शाही नाले से निकलने वाला शिवर का मलमूत्र, उसी मलमूत्र युक्त जल जो है जाके गंगा मिल रहा है और इधर जो है इस एक छोर पर जो है असी नदी का जो शिवर युक्त जल है वो गंगा को प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में खास तौर से काशी जबकि हमारे धर्म और संस्कृति की राजधानी है और जहां सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था गंगा से जुड़ी हुई है, ऐसे में गंगा जल अपनी अविरलता को, अपनी निर्मलता को कैसे प्राप्त करेगी, मां गंगा किस प्रकार से स्वच्छ होंगी, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के साथ उपलब्ध हूं और इनका संपूर्ण जीवन गंगा के ऊपर ही इनका शोध, चिंतन, मनन सब कुछ इनका गुजरा हुआ है। तो स्वामी जी, मैं आज पूछना चाहूंगा कि गंगा को स्वच्छ करने की दिशा में किस प्रकार के कारगर कदम उठाए जाने चाहिए थे और अब तक क्या इस पर प्रयास किया गया और गंगा जो जिस तरह से प्रदूषित हुई है उनके किन किन कारणों पर, किन किन कारणों से गंगा जो है इस तरह से जो है अपनी अविरलता को नहीं प्राप्त कर पा रही है, इस पर कुछ प्रकाश डालें, हम बताएं। गंगा की बात क्या करूं, गंगा उदास है, खुद जूझ रही अपनों से बदहवास है और प्रदूषण के लिए कहें तो नाले सता रहे, पनाले सता रहे, खा खा के पान थूकने वाले सता रहे। ये कैलाश गौतम जी ने बहुत पहले ये सारी बातें कही। जहां तक गंगा के अविरलता और निर्मलता का प्रश्न है, पहले तो समस्या और दूसरा समाधान। हम जब भी समस्या के समाधान की तरफ देखते हैं तो समाधान जनता के हाथ में नहीं होता, समस्या को उठाना तो जनता के हाथ में है। हम और आप जैसे लोग चीखते हैं, विभिन्न मीडिया माध्यमों से चिल्लाते हैं कि गंगा की ये स्थिति हो गई, गंगा की स्थिति खराब हो गई, गंगा में गंगा जल नहीं है। सच तो ये है कि हरिद्वार, भीमगौड़ा बैराज से नीचे गंगा जी का एक बूंद भी पानी हमें उपलब्ध नहीं है और हमने गंगा में अगर ये सीवर और नाले बंद कर दिए तो सिर्फ बालू के मैदान पर घुड़दौड़ कराना चाहती है सरकार, घुड़दौड़ होता हुआ आपको मिल जाएगा। तो सीवर के नाले को प्रश्न ये है कि हमको नाला साफ करना है कि गंगा का पानी साफ करना है। अगर गंगा जल को साफ करना है तो गंगा को उसके हालातों पे छोड़ दीजिए, आप बस एक ही रहम कीजिए या कोई रहम मत कीजिए गंगा पे और गंगा को गंगा पुत्रों के हवाले कर दीजिए, गंगा ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात है, पानी तो पूरा आपने वहां निकाल लिया, पानी हमारे पास है नहीं। हम सीवर के नालों के सफाई की बात करने में आपने हमें उलझा करके रखा है और हालात आपने इतने बुरे बना दिए कि जब भी हम बात करते हैं तो हर साल हम जो जोर से बोलेंगे तो 10 अधिकारी दुनिया के उन देशों में घूमने जाते हैं गंगा समस्या का समाधान ढूंढने कि जहां पे गंगा जैसी कोई नदी है ही नहीं। उदाहरण के लिए 2500 किलोमीटर में विभिन्न संस्कृति सभ्यता को समेट करके 280 नदियों का एक संजाल लेकर के आती हुई और पूरे विश्व के कुल आबादी की 10% आबादी को रोटी से लेकर संस्कृति तक देने वाली दुनिया में कोई नदी नहीं है। तो किस नदी को आधार बना करके, क्या 350 किलोमीटर वाली राइन या टेम्स, उसके आधार पर हम अपनी समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो स्वाभाविक है समस्या हम और आप जैसे लोग उठाएंगे और समाधान ढूंढने के लिए अधिकारी विदेश में जाएंगे, जबकि समाधान तो गंगा के घाट पे है, गंगा के किनारे है इसका समाधान। और सरकार सच मायने में 33 सालों में, मैं 1-2 साल की कोई बात नहीं करता, इसलिए कि जब हमारे पास नीतिगत पॉलिसी नहीं है तो फालतू में हम 1-2 साल 4 साल उनकी सरकार आरोप लगा के क्या करेंगे। हमने एक बड़े वैज्ञानिक से पूछा
कि देश में आप डिस्चार्ज नापने के लिए जो एमएलडी का पैमाना यूज करते हैं कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि स्वामी जी नारियल फेंक के करते हैं। क्या ये शर्म नहीं आती है, किसवीं शताब्दी में हिंदुस्तान का वैज्ञानिक नारियल फेंक करके उसके बहाव के आधार पे एमएलडी नाप रहा है, और ये बताने की स्थिति में नहीं है कि बनारस में कितने एमएलडी का डिस्चार्ज है। अगर डिस्चार्ज ही हमें नहीं पता तो हम एसटीपी क्या खाक बनाएंगे। ये फालतू की बातें हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे हम जोर जोर से समस्या उठाएं और वो समाधान के नाम पर पैसे खपाएं, तो कहीं न कहीं दोनों तरीके का संघर्ष हमको आपको करना पड़ेगा, समस्या और समस्या की मॉनिटरिंग, ये आप समाधान के लिए क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बनारस के जिसको फोर लेन कहा जाए, उस शहर के अंदर की सड़क है, उसके नीचे एक हमने बहुत मोटे मोटे पाइप डाले हैं। कोई अधिकारी ये बताने की स्थिति नहीं है ये पाइप कहाँ से घुसेगा और इसमें क्या निकलेगा और कहाँ निकलेगा, कुछ नहीं पता है। 700 करोड़ रुपए के हमने पाइप डाल रखे हैं इसके अंदर जमीन के, अब कह रहे हैं कि हमें 1400 करोड़ रुपया और दीजिए तो हम इसका सब पाइप मोहल्लों से लाएंगे, फिर उसको और गलियों से लाएंगे, जोड़ेंगे। तो हमने पूछा, मान लीजिए आपको 1400 करोड़ रुपए आज ही हम उपलब्ध कराते हैं, तो कितना दिन आपको जोड़ने में लगेगा? तो कहते हैं 2030 तक इसको कर लेंगे। यानी कि काशी की जनता इस गड्ढे में डूब करके मरने के लिए 2030 तक तैयार है, जबकि यहाँ का सांसद प्रधानमंत्री बार बार बैठकों में एक ही बात कह रहा है कि आप जो है एक मुश्त योजना लाइए, एक मुश्त पैसे लीजिए और हमें यह बताइए कि आप कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। तो अधिकारियों की चोरबाजारी इस कदर है, इसमें मैं अधिकारियों का भी दोष नहीं मानता, 70 साल में इन्होंने सिर्फ चोरी सीखी है, बिग प्रोजेक्ट बिग मनी और बिग कमीशन का खेल सीखा है। तो इसी में से लीडरशिप टेक्नोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी तीनों का जो हमने विकास किया है, और इसमें हमारी काशी की नहीं जो 8 नगर निगम है गंगा के किनारे, हर जगह की जनता इसी गड्ढे में डूब के मरने के लिए बाध्य है। उदाहरण के लिए एक और बताता हूँ, आज के सभी अखबारों में खबर है कि काशी से कछुआ सेंचुरी हटा दिया जाए। एक साल पहले कछुआ सेंचुरी पे वैज्ञानिक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया, 1927 में मदन मोहन मालवीय जी के दबाव में काशी तीर्थ सुधार ट्रस्ट ने काशी के जो घाट है, काशी की खूबसूरती पूरे विश्व में इतने खूबसूरत 7 किलोमीटर के घाट कहीं नहीं है, तो हमारी खूबसूरती तो हमारे घाट है, दुनिया हमारे घाट देखने आती है। तो ये घाट अंदर से कोले होकर के नष्ट हो जाएंगे, बालू यहाँ नहीं जमा होना चाहिए, घाट तक पानी रहने पर घाट कोले नहीं होते। लेकिन क्या किया कि वो रिपोर्ट है लॉर्ड इरविन की 90 साल पुरानी, 1927 की रिपोर्ट है, और आज तक सम्यक रिपोर्ट बना के सौंपा नहीं, उल्टे काशी में कुकर्म छुपाने के लिए 7 किलोमीटर को इन्होंने कछुआ सेंचुरी बना दी पर्यावरण विभाग ने। अब ये 2,36,00,000 का कछुआ जो है हर साल इसमें पालेंगे, कछुए डालेंगे, कहेंगे ये गंगा को प्रदूषण मुक्त रखेंगे, और ये कछुआ हुआ के समुद्र में चले गए, गिनती कौन करेगा? इन्होंने 2 डाले 2,00,000 डाले कछुए, तो धन कमाने के साधन के रूप में गंगा का विकास किया, माई को कमाई के रूप में कैसे हम उपयोग करेंगे। तो गंगा को जिसने प्रोजेक्ट माना उनके लिए मां नहीं है, जैसे किसी डॉक्टर के लिए कोई पेशेंट ओनली एक केस होता है, लेकिन उस वो पेशेंट अगर कोई माँ है तो उसके बेटे के लिए वो केस नहीं है, उस बेटे के लिए तो वो सब कुछ है। तो हम गंगा पुत्रों के लिए तो हमारी माँ सब कुछ है, और हम डॉक्टरों से कहते हैं हमारी माँ पर तुम प्रयोग मत करो, बस रहम करो, छोड़ दो। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी एक देश है न्यूजीलैंड, वहां के 16% आबादी की एक नदी है, उस नदी पर भी ऐसे ही अत्याचार किए, अंत में न्यूजीलैंड की सरकार ने पार्लियामेंट में माफी मांगी और उस आदिवासी समाज को उसकी नदी को सौंप दिया और कहा कि आप ही इसकी रक्षा करें। तो सरकार भी ऐसा ही कर रहे कि उसके विज्ञान का प्रयोग 1985 से लेकर आज तक गंगा एक्शन प्लान से लेकर
नमामि गंगे तक, सेंट्रल गंगा अथॉरिटी से नेशनल रिवर गंगा जी बेसिन अथॉरिटी होते हुए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की यात्रा सत्ता और सरकारों ने, और मैं मानता हूँ 1985 से 2018 तक इस देश में पंजीकृत कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो किसी न किसी समय सत्ता में न रहा हो। और ये कहने का अधिकारी कोई बचा नहीं, चाहे 23 दलों की सरकार हो या 28 दलों की सरकार हो, जिसके जनप्रतिनिधि जीते हैं एक भी वो सत्ता में रहा है। तो सत्ता में रहे सभी दलों ने एक साथ इस देश में गंगा को धोखा दिया है। अब उनकी कोई दल ये नहीं कह सकता या हमें मौका दीजिए हम गंगा का काम करें। फिर स्वामी जी ये कह रहे हैं कि गंगा गंगा पर अब तक जो है करोड़ों रुपए फूके गए, अब करोड़ों रुपए फूकने के बाद भी गंगा अपनी उसी दशा में चल रही है, बल्कि गंगा की दशा और खराब हो गई। गंगा का पानी ऊपर से उतरता है, तिहरी बांध में रोक दिया गया। उसके बाद जब गंगा जो चल रही है, उसके बाद जो है नगरों का पानी, सीवर का पानी और ये सारी चीजें गंगा जो है प्रदूषित चल रही है, इनको जो है स्वच्छ बनाए रखने के लिए मूल रूप से किन साधनों की जरूरत है, किन चीजों की जरूरत है, किन कार्यों की जरूरत है ताकि गंगा अपने पहले वाले रूप में आ सके, अपने निर्मलीकरण को, अपनी अविरलता को प्राप्त कर सके, इसके लिए आपका क्या सुझाव है? ये पॉलिसी डिसीजन है, नीतिगत फैसला है। जी, जी। देश की जो अन्य नदियां हैं, गंगा भी उसी प्रकार की एक नदी है भारतीय संविधान के अनुसार। तो ऐसा विशेष क्या है? जब विशेष नहीं है गंगा, तो विशेष के लिए नेशनल रिवर एक्ट को संसद के अंदर आपको लेके आना पड़ेगा। जी। दूसरी बात है कि इस देश में दो मंत्रालय हैं, एक है जल संसाधन और एक है मानव संसाधन। जब तक मनुष्य को हम साधन के रूप में और जीवनदायी जल को संसाधन के रूप में देखेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जो गंगा मंत्रालय है ये गंगा के संरक्षण की बात करता है, जबकि जल संसाधन जल के एक एक बूंद के उपयोग की बात करता है। तो ये खाने वाला और एक बचाने वाला, एक शेर और एक बकरी, ये दोनों एक जगह कैसे रह सकते हैं? तो पहली तो पॉलिसी डिसीजन ये हो कि गंगा मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाए, जल संसाधन से इसको दूर करें, अन्यथा जल संसाधन की जो सोच है गंगा को लूटने की है, एक बात। दूसरी बात है कि प्रदूषण के लिए हम पूछ रहे हैं कि क्या जो शहर गंगा के किनारे नहीं है या जिन शहरों के किनारे कोई नदी नहीं है, वहां पे आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते हैं क्या, या पीने का पानी नहीं देते हैं? आप सारी अर्बन डेवलपमेंट की सारी व्यवस्था करते हैं, तो इस अर्बन डेवलपमेंट का बोझा गंगा पे क्यों है भाई? आप गंगा को और अर्बन डेवलपमेंट को अलग अलग करके क्यों नहीं सोचते? आपका सीवर गंगा में ही क्यों जाएगा? गंगा के विपरीत दिशा ले जाकर के आप सफाई क्यों नहीं कर लेते? ये आप कर सकते हैं, ये पॉलिसी डिसीजन है, ये आपको करना चाहिए कि हम कोई भी सीवर इस देश के किसी नदी में नहीं डालेंगे। इसके मूल में है दो शब्द, एक है कैरिंग कैपेसिटी, एक है केयरिंग कैपेसिटी। अंग्रेजों ने जो बनाया वो नदी जो है ढोने वाली चीज है, हमारे यहाँ नदी जो है ढोती नहीं है, हमारी रक्षा और संरक्षा करती है, केयर करती है, क्योंकि माँ केयर करती है। माँ 20 किलो के बच्चे को गोद में नहीं उठा सकती, लेकिन उसको शिवाजी और चंद्रशेखर आजाद जरूर बना सकती है, पढ़ा लिखा मजबूत कलेजा जरूर बना सकती है। तो बोझ नहीं, केयरिंग नहीं, केयरिंग। तो हमारी नदियां माँ इसीलिए क्यों केयर करती है। तो ये जो चीजें हैं पॉलिसी डिसीजन लेकर के, अगर हमने प्रदूषण की सारी व्यवस्था इनको अलग किया एसटीपी सिस्टम को, कि नहीं नदी में एक बूंद भी ऐसा जल नहीं जाएगा, नदी का मूल प्रवाह इको फ्लो इन्वायरमेंटल फ्लो, जो नदी का मूल जल है वो 50% नदी में बहेगा, तो बाकी कोई समस्या आड़े नहीं आनी है। ये करना सरकार को है। धन्यवाद स्वामी जी, आज आपसे बात करके एक निष्कर्ष पर हम ये पहुंचते हैं कि नदी हमारे हमें इस सभ्यता को धोने की चीज नहीं है, बल्कि नदी जो है हमको संरक्षित करती है, नदी जो है भारतीय सभ्यता को संरक्षण करने का काम कर रही है, माँ गंगा जो है, माँ गंगा का रोल खास तौर से भारतीय समाज में इसी प्रकार के एक संरक्षक की भूमिका में माँ है, और माँ की अविरलता, माँ की निर्मलता पर
जिस तरह से आपने प्रकाश डाला, इसके लिए सादर नमस्कार, शानदार धन्यवाद, और सोशल मीडिया के सभी साथियों को हमारा नमस्कार है। धन्यवाद, नमस्कार।